मैं मनोरमा मोहंती उड़ीसा राज्य का पॉडकास्ट ब्रीफिंग कर रही हूँ। लास्ट 24 आवर्स में आइसोलेटेड प्लेसेस में एक आध जगह में बहुत कम जगह में हल्का से मध्यम बारिश हुआ है और सर्वाधिक बारिश रिकॉर्ड किया गया है गंजाम जिला में 64 मिलीमीटर रेन रिकॉर्ड किया गया है। और अगले 4-5 दिन का जो फोरकास्ट अगर हम देखेंगे तो बारिश रहेगा लेकिन काफ़ी कम बारिश रहने का संभावना है। अभी जब अगर स्टेटस देखें तो टोटल रेन जो हुआ है 1000.4 मिलीमीटर रेन हुआ है टोटल आज तक। अगर देखें तो अभी भी 8% कम बारिश हुआ है नॉर्मल से और मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जैसे देखेंगे तो मोस्टली नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है और कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में जैसे 8-9 डिस्ट्रिक्ट में डेफिशिएंट रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है जैसे संबलपुर, देवगढ़, केंदुझर, बालेश्वर, जाजपुर, भद्रक, केंद्रापड़ा, पुरी एंड कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में डेफिशिएंट रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। अभी अगर देखेंगे तो फोरकास्ट अगले 24 घंटे में मोस्टली हमारा नॉर्थ उड़ीसा में एक हर जगह में बारिश हो सकता है लेकिन साउथ उड़ीसा में लाइट टू मॉडरेट रेन अ फ्यू प्लेसेस कुछ कुछ जगहों में लाइट टू मॉडरेट रेन होने का संभावना है। डे टू अगर देखें तो राज्य में पूरा राज्य में कुछ कुछ स्थानों में हल्का से मध्यम बारिश होने का संभावना है और डे थ्री में भी राज्य में हल्का से मध्यम दर्जन बारिश होने का संभावना है कुछ कुछ स्थानों पर। और डे फोर यानी 22 तारीख में रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ा बढ़ने का संभावना है और अधिकांश अनेक स्थान में होने का संभावना है। लाइट टू मॉडरेट रेन मोस्टली रहेगा और कुछ कुछ एक जगहों में भारी बारिश रहने का संभावना है जैसे अनुगुल, ढेंकानाल, कटक, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, खोर्धा डिस्ट्रिक्ट में प्रबल भारी बारिश एक हर जगह में होने का संभावना है। उसका साथ साथ लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी रहने का संभावना है और डे फाइव यानी 23 तारीख में भी अनेक स्थान में हल्का से मध्यम दर्जन बारिश रहने का संभावना है। उसका साथ साथ भारी बारिश रहने का संभावना है जैसे गंजाम, गजपति, नयागढ़, खोर्धा एंड कंधमाल जिला में उसका साथ लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी रहने का संभावना है। थैंक यू।